लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर फोर थ्री भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट क्लास में मैंने वो डिस्कस कर दिया था, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत होगी उसमें, बट फिर भी मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। जैसी इलस्ट्रेशन होती है वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, आपको सभी होमवर्क अपना ट्राई करना चाहिए जरूर। कहते हैं रमन कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, रमन अपनी किताबें कैसे रखता है मेरे दोस्तों, सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करता है। कहता है हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज इस तरीके से दी गई हैं। फर्स्ट कैश, जी सर, 1,900, डेटर्स 39,000, 45,000, स्टॉक 34,000, 32,000। तो सर एक है 31 मार्च 2020 और एक है 31 मार्च 2021, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसी इंफॉर्मेशन तो हमने आज तक देखी नहीं। पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, पहली बार में आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पहले पढ़ लो एक बार और फिर जो आपको नोट्स वोट्स लिखवाएं उससे अपने आप बात बन जाएगी। आपको पता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए चार चीजें चाहिए होती हैं, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स। पढ़ो, देखो अभी क्या हो रहा है सर, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रहे, नो प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द ईयर 2021 यानी कि जो हमारा ईयर है, प्लीज मेरी तरफ देखिए, ईयर कौन सा हमारा 20 और 21, क्या हो रहा है, ही इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। चलो भाई अच्छी बात है, लड़के ने एडिशनल कैपिटल लगा दी, ये तो मिला, कुछ तो मिला डायरेक्टली, बोलो यार। आगे कहता है ही विथड्रॉ 3,000 एवरी मंथ, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, एवरी मंथ। बेटा ऐसे ऐसे वर्ड्स को पकड़ना है आपको, पूरी ड्राइंग नहीं है, दिस इज नॉट टोटल ड्राइंग, बोलो। अगर वो एवरी क्वार्टर बोलता, एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, चार, फिर हम मल्टीप्लाई करते 3,000 × 4, अब वो कह रहा है 3,000 एवरी मंथ, मंथ का मतलब है एक साल में महीने कितने हो गए, 12, तो 3,000 × क्या आ जाएगा, 12, क्योंकि हमें तो पूरे साल का प्रॉफिट लॉस निकालना होता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, एसर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, ठीक है भाई, प्रॉफिट और लॉस निकाल देंगे, हमें नहीं लगता इतनी बड़ी बात है। लेकिन सर आपने चार बातें बताई थी, बताइए सर क्या क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, क्या क्या चाहिए, ड्राइंग, चलो ड्राइंग तो मिल गई हमें। सर आप इसी क्वेश्चन में मॉडिफाइड कर रहे हो, यस बच्चू, मैं इसी क्वेश्चन में आपके लिए मॉडिफाइड कर रहा हूँ, सर क्या बात है, आपके तो मजे आ गए। हाँ जी बच्चों मेरे मजे आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मॉडिफाइड का मतलब होता है डांस करना, इसी, हाँ ऐसे डांस करते हैं बेटा, मॉडिफाइड का मतलब होता है। मुझे नहीं पता, जी सर क्या मुझे ड्राइंग्स पता है, बोलो हाँ है ना, यस सर। ड्राइंग्स कितने की है, 3,000 रुपए पर मंथ, तो सर जो पता है वो तो लिख दो कम से कम। एडिशनल कैपिटल भी मुझे डायरेक्ट पता चल गई थी क्योंकि मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, कितनी है, 10,000। अच्छा अब सर क्या करें, तो भैया इसके लिए बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 और इसके लिए बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। अब याद करो अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता तो मेरे दोस्तों क्या बनाएंगे, जल्दी से बताइए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है, इधर देख लीजिए प्लीज, ये आपको पूरा लिखना है पेपर में। सर कैसी होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मेरे दोस्तों ये बैलेंस शीट की तरह होती है, बस इसका पर्पस है कैपिटल को निकालना। हम यहाँ पर एस्टिमेटेड कैपिटल्स वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द क्लाइंट। अब क्लाइंट कह रहा है मुझे नहीं पता कैपिटल क्या होती है, हम कहते हैं टेंशन ना ले, तो एसेट्स बता कितनी है, लायबिलिटीज बता। तो क्लाइंट ने मुझे बताया कि अपने घर जाके बिजनेस में उसने एक एक एसेट्स की बता दी, बताओ मुझे, आप बताओ सारे मुझे कौन कौन सी एसेट्स है, जल्दी जल्दी बोलो, कैश अमाउंट, अगली एसेट बोलो, डेटर्स 39,000 और 34,000 और 60,000 और कुछ। सर अगर डेटर पे प्रोविजन होता तो माइनस कर देते, यस, बैड डेट्स होता उसको माइनस कर देते, यस, समझ आ गया, नहीं आ गया, बताओ जी बताओ सर, बस और कुछ बेटा, लायबिलिटी साइड बताओ, क्रेडिटर्स बोलो जी 15,000 और बताइए, बिल्स पेबल, हाँ नहीं है, नहीं वो तो ऑफ एक्सीडेंट है,
ठीक है, इस ईयर के लिए। ये बेटा आपने स्टार्टिंग का किया था 1/39/34, ये तो 31 मार्च 2020 का है नालायक हो सर। वही तो आपने, तुमने यार दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा फिर बेटा। डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बात आई समझ या नहीं आई? तो ये तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब बनाइए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बनाओ कैश, चलो बताओ फटाफट। एसेट्स में कैश 900, डेटर्स 45,000, डेटर्स 45,000, और 32,000, और प्लांट एंड मशीनरी 80,000, और लायबिलिटी है बोलो सेंडरी क्रेडिटर्स 14,900, 14,900 बिल्स पेबल 5,000। समझ आया मेरे दोस्तों? Yes, जो बच्चे फालतू टेंशन ले रहे थे, बच्चों मुझे लगा आप क्लोजिंग डाटा दे रहे हो वो गलत था, मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर ध्यान रखना एडजस्टमेंट किसके अंदर होती है? क्लोजिंग। तो तुम लोगों ने डाटा थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्या निकल कर आएगी? ओपनिंग कैपिटल। बोलो मेरे दोस्तों, दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर। 39 और 41 और 60, 1,34,000, 1,34,000 में से 15 माइनस कर देंगे तो 1,19,000। चलो सर अच्छी बात है, हमें क्या मिल गई है? ओपनिंग कैपिटल। आई बात आपको समझ से नहीं है? yes, सर सिंपल है, समझने वाली बात क्या है? इसका बता दीजिए टोटल 40, 70 और 80, 1,50,000, 1,50,000, 1,57,900, 1,57,900 कैपिटल। ये वाली कौन सी कैपिटल आएगी मेरे दोस्तों? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि क्योंकि 31 मार्च की है। 0, 0, 0, 4, 5, 9, 9 में क्या जुड़े? 7 बन जाए 8, 9, 8, 17 का 7 हासिल है, 2, 2 में क्या जुड़े? 5 बन जाए 3, 2, 3, 5 का 1,38,000। बोलो मेरे दोस्तों। yes, तो बस सर जी ये आ गया है। अब तो ये वाला वर्किंग नोट नंबर 2 है फिर हमारा, और ये वाला वर्किंग नोट नंबर 1 है। यहाँ पर हम लिख देंगे 1,38,000, 3,636,72, 1,74,000। हो गया क्वेश्चन सोल्व? yes, 1,74,000 में से 1,29,000 घटा दो, तो 29,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 30 और 40 70 45,000 रुपए का। आई होप कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर सभी बच्चों को। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी करा दी, 3 मैंने पहले डिस्कस करा दी थी। क्या अब आप और घर जाके करोगे या नहीं करोगे? इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप आफ्टर एडजस्टमेंट से ट्राई करके आना, बिफोर एडजस्टमेंट रहने देना। आप जब कभी भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ तो आफ्टर एडजस्टमेंट। सर आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब? अरे फाइनल अकाउंट वाली एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट वाली आती है तुम्हें, खत्म करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि